राखियाँ तो मेरी 2 दिन पहले ही पहुँच गई होंगी। इस बार इतने दिन पहले जो कोरियर करवा दी थी मैंने। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अंजलि ने ना इस बार राखी भिजवा ही दी। जब अंजलि आती है मैं तो अपने मायके जाने के लिए लेट ही हो जाती हूँ। मुझे कौन सा उम्मीद थी कि इस बार मैं राखी पर आ पाऊँगी। ये तो मेरी नंदे, अच्छा हुआ 2 दिन पहले ही राखी बांध के चली गई, इसीलिए मुझे भी आने का मौका मिल गया। अरे मुझे तो परसों तक यही उम्मीद थी कि अंजलि आएगी आएगी राखी बांधने। अरे आज राखी है, दोपहर होगी, आपने राखी ही नहीं बांधी अंजलि की। अब तक तो भैया ने राखी बांध भी ली होगी, उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि मैं आने वाली हूँ। और जब भाभी मुझे देखेंगी तो बिल्कुल सरप्राइज्ड हो जाएंगी, और भैया भैया तो इतने खुश हो जाएंगे ना कि मैं सोच भी नहीं सकती। अब जाके उनको सरप्राइज देती हूँ। अरे ज्योति, गर्मी पता है कितनी है, क्या बांधूंगा मैं राखी, छोड़। और ज्योति, वैसे भी हमारा खर्चा ही बचा है अंजलि नहीं आई इस बार तो। और तू तो आज बहुत खुश होगी, तेरे मायके वालों ने इतना कुछ जो दे दिया। अरे दे तो बहुत कुछ दिया मम्मी ने आज। चल इसी खुशी में ना जाके चाय बना बढ़िया सी। अरे भैया भाभी तो यहीं पर बैठे हैं, चाय पीने की बात चल रही है। मैं ना ऐसे करती हूँ, भैया को ना पहले फोन कर लेती हूँ। हाँ हाँ बना रही हूँ चाय। अंजलि का फोन। हेलो। हेलो, हाँ भैया, राखियाँ मिल गई थी भैया आपको? राखी? राखी तो मिल गई थी मुझे और बांध भी ली है। तो भैया मैं तो सोच रही थी कि मैं अब आ जाऊं। क्या? अंजलि बोल रही है यहाँ पे आने के लिए। बता अब, दोपहर हो गई है, राखी का समय तो बीत गया, अब क्या करेगी यहाँ पे आके? आप ना मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हाँ अंजलि, कैसी है? अंजलि राखी तो बीत गई और तेरे भैया ने ना राखी बांध ली। मैं तो ना अपने मायके आई हूँ, तो फिर कभी आ जाना। और बता दे, घर पे तो लॉक लगा है। घर पे तो ना लॉक लगा हुआ है। भाभी आप सचमुच घर पर नहीं हो? कोई बात नहीं भाभी, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। अगर मैं फोन ना करके आती तो इसका मतलब मेरे भैया भाभी मुझसे सिर्फ दिखावे का मिलते। चल बढ़िया है, बलान टली। हाँ जी, मुझे तो ना टेंशन ही हो गई थी, अब ये आएगी। चल छोड़ अब इसकी बातें, जा तो चाय बना बढ़िया सी, और जो मेरे ससुराल से बिस्किट आए हैं ना और मिठाई आई है वो भी खोल लेना साथ में। ठीक है। ये तो मैंने फोन कर लिया तो मुझे पूरी सच्चाई पता लग गई। मेरे भैया भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको नहीं पता कि जब एक भाई भाभी बहन के साथ ऐसा करते हैं तो बहन को कितना दुख लगता है।